दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच जो आज रोमांचक मुकाबला खेला गया वर्ल्ड कप 2000 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का, उसी की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में से कौन सी टीम आपको ज्यादा मजबूत लगती है। किसी एक टीम का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारतीय महिला टीम अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में जमकर हिस्सा ले लिया, और इस दौरान भारत ने अपने चार मुकाबले खेल लिए और चार में से उन्हें दो में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिला टीम का जबरदस्त प्रदर्शन हम सभी को देखने के लिए मिला है। दरअसल यहां ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान लेनिंग ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 309 रन बनाए और भारतीय महिला टीम को लक्ष्य दिया 310 रनों का। जहां आज के इस मैच में 310 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारतीय महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन कर दिखाया। जी हम आपको बताएं कि आज ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से जब ओपनिंग करने के लिए रचेल हेंस और एलिसा हिली मैदान पर उतरी, तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज पहले तो शतकीय साझेदारी करी। जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे कि रचेल हाइंस ने 70 गेंदों में 72 रन ठोक डाले और अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ एलिसा हिली ने आज के इस मुकाबले में 36 गेंदों में 48 रन बनाए, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफी दमदार शुरुआत मिल चुकी थी। और दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजों का विकेट भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी और राजेश्वरी गायकवाड़ ने चटकाया। तो वहीं झूलन गोस्वामी और राजेश्वरी गायकवाड़ ने इन दोनों को आउट करने के बाद फिर भारत की वापसी इस मुकाबले में करवाई, और वहीं फिर मैदान पर उतरी मैग लेनिंग और बेथ मूनी, जहां आज के इस मुकाबले में मैग लेनिंग और बेथ मूनी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। दरअसल आज कप्तान मैग लेनिंग ने 94 गेंदों में 85 रन बना डाले, तो वहीं बेथ मूनी ने भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए 48 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां 250 रनों से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी थी। और अब भारत को जरूरत थी कि वो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेट का या फिर अपने ओवर खत्म करे, और ऐसा ही गेंदबाज करती हुई नजर आई। तो वहीं फिर दोस्तों मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उतरी एलिस पेरी ने आज के इस मुकाबले में 48 गेंदों में 47 रन बनाए, जैसा कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 309 रन बना पाने में कामयाब हो सकी, और फिर 310 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब भारतीय महिला टीम मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से आज एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए आई स्मृति मंदाना और सैफ अली वर्मा। जी हां दोस्तों, आज के इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों ने आते से ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ स्मृति मंदाना धीमी पारी खेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सैफ अली वर्मा ने ताबड़तोड़ चौके और छक्के बरसा डाले। जैसे कि आप सब यहां पर देख भी पा रहे होंगे कि इस दौरान सैफ अली वर्मा ने आज 85 गेंदों में 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो वहीं स्मृति मंदाना ने 52 गेंदों में 47 रन बनाए, और भारत का स्कोर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से काफी अच्छा कर दिया था। लेकिन यहां पर किसको क्या ही पता था कि भारत के लिए अब मुश्किल एक बार फिर से दीप्ति शर्मा और मिताली राजीव बनने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर फिर सैफ अली वर्मा और स्मृति मंदाना के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी दीप्ति शर्मा ने 35 गेंदों में 24 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए थे। तो वहीं मिताली राज ने आज के इस मुकाबले में 14 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली, और इसी के साथ भारत को ये दो बड़े झटके काफी जल्दी लग चुके थे। और लेकिन अब यहां से जरूरत थी भारत की वापसी की, लेकिन यहां पर भारत की वापसी फिर मैदान पर करवाती हुई नजर आई हरमनप्रीत कौर। जी हां दोस्तों, हरमनप्रीत कौर ने आज 40 गेंदों में 43 रन बनाए, तो वहीं ऋचा घोष ने आज 4 गेंदों में 7 रनों की पारी खेली, जैसा कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं ऋचा घोष के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकार, जहां आज के इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को अंतिम ओवर में जीत की राह पर बढ़ाया। जी हां दोस्तों, यहां पर पूजा वस्त्रकार ने आज 23 गेंदों में 38 रन बनाए, तो वहीं स्नेह राणा ने 47 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली, और भारत को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर जीत की राह पर बढ़ाया। तो वहीं हम आपको बता दें कि भारत एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को हार जाएगी, क्योंकि जब ऋचा घोष आउट हुई थी तो उस दौरान भारत की उम्मीदें काफी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन जिस तरह से आज स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकार ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 47 गेंद में 52 रन बनाए, वो काबिले तारीफ है। बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को आज 4 विकेट से अपने नाम किया। और वहीं हम आपको बता दें कि आज ये भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में ठीक पहले का वार्म अप मैच खेला गया, और इस वार्म अप मुकाबले को देखने के बाद
बाद हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड कितनी मेहनत कर रहा है कि वो किसी भी हाल में अपना फाइनल में जगह जरूर बनाए, एक भी दिन खाली ना छोड़े। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप सभी की क्या राय है आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने के बाद, और आप भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम आईसीसी विश्व कप 2022 में हिस्सा ले रही है, और यहाँ पर भारतीय महिला टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और 4 में से भारतीय महिला टीम को 2 मैचों में जीत मिली है और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना किया, तो वहीं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम को जीत हासिल हुई, और ऐसे में अब एक और रोमांचक मुकाबला भारतीय टीम का आज खेला गया, जहां आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आज के इस मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दरअसल शामीमा सुल्ताना ने आज के इस मैच में 42 गेंदों में 39 रन बनाए, तो वहीं फारगाना हॉक ने आज के इस मैच में 94 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली, जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं शामीमा और फारगाना के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी निगर सुल्ताना और रुमाना अहमद, जहां आज के इस मुकाबले में निगर सुल्ताना ने 39 गेंदों में 40 रन बनाए, तो वहीं रुमाना अहमद 7 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटी, और इसी के साथ भारतीय टीम को 4 बड़ी सफलता यहां पर मिल चुकी थी। लेकिन अंत में किसको क्या ही पता था कि जो 5वें नंबर और 6ठे नंबर पर खिलाड़ी आने वाली हैं वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगी। गेंदों में 47 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और इसी के साथ भारतीय महिला टीम के सामने बांग्लादेश महिला टीम 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन बना पाने में कामयाब हो सकी, और भारतीय महिला टीम को लक्ष्य मिला 50 ओवर में 282 रनों का। हालांकि फिर 282 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब भारतीय महिला टीम मैदान पर आई, तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है बल्लेबाजी की, और इस दौरान उन्होंने 46 गेंदों में 45 रन बना डाले और अपनी इस बल्लेबाजी में उन्होंने 8 चौके भी लगाए थे, लेकिन नेट स्काइवर को पूजा वस्त्रकार ने झूलन गोस्वामी के हाथों कैच आउट करवाया 17वें ओवर की 6ठी गेंद पर, और इसी के साथ भारतीय टीम को ये काफी बड़ी सफलता तो मिली, लेकिन तब तक भारत के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। और फिर मैदान पर उतरकर एमी जोन्स ने हीरा टीम की ऐसी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने के बाद, और आप इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।